मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही बिजली पर घमासान शुरू हो गया। बादल नहीं ट्वीट गरज रहे हैं। वचन तो कांग्रेस ने बिजली बिल आधे करने का दिया था, लेकिन प्रदेश के लोगों को बिजली आधी मिलना शुरू हो गई है। बस इसी को लेकर कभी शायर तो कभी नेताओं के टारगेट पर आ रही कांग्रेस सरकार के मुखिया कह रहे हैं साजिश है, छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले देखिए प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का बिजली को लेकर किया गया ये ट्वीट। भाजपा नेताओं को तो गुम हो रही बिजली के लिए बस एक मौका चाहिए था, लगे हाथों नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी ट्वीट कर लिख डाला, वचन तो बिजली बिल आधा करने का था, यहां तो बिजली ही आधी कर दी। बिजली कटौती के कारण इस भीषण गर्मी में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, भारी प्रभावित हुआ है बहुत गहरे रूप में। मवेशियों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही क्योंकि बिजली के अभाव में मोटर पंप नहीं चल रहे। नगर की पेयजल व्यवस्थाएं अलग भंग हो गई। अभूतपूर्व स्थिति है प्रदेश में। ये बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग तो जब सरकार से गए थे, जब तक हमारी सरकार रही बिजली सरप्लस हम छोड़ के गए थे, और उसके बाद में अभी ये कटौती क्यों हो रही है? क्या दूसरे राज्यों के लिए बिजली बेची जा रही है? क्या बिजली बेच के सरकार अपना खजाना भरना चाहती है? या हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण इसके पीछे? अपनी सरकार के लिए परेशानी बन रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहद गुस्से में। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि हालात सुधारें या फिर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसे लेकर 4 जून को बिजली विभाग के अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने तलब किया। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।